कामयाब नहीं हुआ। तो विधानसभा का सत्र संक्षिप्त सत्र है, हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। आज कानून व्यवस्था को लेकर हमारे कई मान्य सदस्यों ने स्थगन का प्रस्ताव दे रखा है, हम उस पर चर्चा करके राजस्थान में जर्जर कानून व्यवस्थाएं हैं उसकी गले खोलने का काम करेंगे। और उसके साथ ही कानून व्यवस्था को आप देख रहे हैं, लगातार राजस्थान में प्रति सप्ताह एक ना एक आधा मिर्गा कांड सामने आ जाता है। जोधपुर की विभिन्न घटना हमारे सामने है और सरकार के मुखिया गहलोत साहब इन घटनाओं में शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय राजनीति का खेल खेलने में लगे हैं। सरकार के मुखिया और गृह मंत्री के रूप में ये बातें शोभा नहीं देता, क्योंकि अपराधी की ना कोई जाति है, ना कोई अपराधी की पार्टी, अपराधी है। कानून की नज़रों में अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई करें इसके पक्षधर हम सभी हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति के बजाय ये दुष्कर्म की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही है, NCRB के आंकड़ों के अनुसार हम दुष्कर्म में पहले पायदान पर क्यों चले गए, इस पर चिंता करनी चाहिए। ये चिंता करते तो बेहतर है। ये बैठे हैं गृह मंत्रालय जिनके पास है, जिनकी सरपरस्ती में राजस्थान की कानून व्यवस्था के रखवाले काम करते हैं, जिम्मेवारी उनकी है। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शर्मिंदगी के बजाय राजनीति करके, और उसी दिन दो घटनाएं होती है, एक बालिका के साथ घटना होती है उसमें मुख्यमंत्री ट्वीट नहीं करते और जोधपुर की घटना पर ट्वीट करके अपनी बात को कहते हैं। ये राजनीतिक चश्मे से हर घटना को देखना, और गहलोत साहब समझते हैं उनसे बड़ा कोई राजनीतिक ही नहीं, डिजाइन बॉक्स उन्हें लिख कर दे देता है, वो बोल देते हैं। इससे आगे आने वाले समय में जनता के सामने उनको अपनी बात को जब रखेंगे तो जन अदालत जो तय करेगा उसका परिणाम सामने निश्चित तौर पर आएगा। गोपाल केसावत ने ये कहा कि ओराम सीट के अंदर परिवादी जो इसमें है उसके साथ सवाल सही है, कोई सवाल गलत है, और ओराम सीट को देखने तक का जिसके पास एक्सेस हो वो RPSC को कैसे क्लीन चिट मिल सकती है। उसके व्हाट्सएप पर वो मंजू शर्मा का नाम लेता है, संयुक्ता आर्य का नाम लेता है, और सरकार आनंद फानंद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें क्लीन चिट देती है। अब सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी है, जिन्होंने कहा था कि पैरों के छालों की कसम RPSC के भ्रष्टाचार में चैन से नहीं बैठूंगा, RPSC में भ्रष्टाचार की गंगोत्री आगे बढ़ती जा रही है, देखते हैं वो क्या करता है। निश्चित तौर पर RPSC के सदस्यों को नामजद सरकार करती है, सरकार के मुखिया करते हैं, मंत्रियों की प्रशंसा से करते हैं, इसलिए तार कहीं से जुड़े हैं। और जब इसमें अब संगीता आर्य मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की पत्नी का नाम आ जाए तो निश्चित तौर पर सोचने का विषय। संक्षिप्त की ईंट दही का रोड़ा, विपक्ष उस तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए मनसूबे बना रहा है जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ।